नमस्कार आपण देखुछन अर्गस सुपरफास्ट जीवा विस्तृत खबर को पाखे आसुच्छ सामुद्रिक झड़ जवाद आज अवपात परिणत हो अंडमान सागर निकट सृष्ट लघुचाप पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर यह अवपात रूप ने तेज संभाव्य बात्या क्यों जगार स्थलभाग छुईब यार तीव्रता केते रही आज स्पष्ट हो यार प्रभाव में तीन तारिख संध्या कि राति ओडिशा रे वर्षा आरंभ हो चार तारिखर राज्य में वर्षार परिमाण बढ़ यार प्रभाव में 100 रु 110 किलोमीटर बेगर पवन बहिप चार तारिख पर राज्य चार जिला को रेड वार्निंग जारी करिछि पानीपाग विभाग गंजाम गजपति पुरी जगत सिंहपुर में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा ने रेड वार्निंग जारी करा सेपरी एदिन केन्द्रापड़ा कटक खोर्धा नयगढ़ कंधमाल रायगढ़ और कोरापुट जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा बालेश्वर भद्रक जाजपुर मलकानगिरी जिला को येलो वार्निंग आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र 3 तारिख रु 5 तारिख जाए मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को न जावाक परामर्श दे आईएमडी संभाव्य बात्या जवादर मुकाबिला चली प्रस्तुति प्रभावित होगाक जिला मानू आलर्ट रहिबाक परामर्श देते स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर बात्या समय कौन भी अघटन को एड़ेबा ओड्राफ एनडीआरएफ अग्निशम बाहन को प्रस्तुत रहिबाक परामर्श दी जाए संभाव्य बात्यार मुकाबिला गत राज्य सरकार पक्षर् उच्चस्तरीय बैठक अनुषित होता मुख्य शासन सचिव अध्यक्षत चलता यह बैठक में स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर सहित बहु वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे उत्सव प्रभावित होगा जिलार जिलापा बैठक में जोगद संभाव्य बात्या द्वारा तलिया अंचल बन्या और जलबंदी समस्या उपजिपे पहाड़िया अंचल भूस्खलन सह कच्चा घर भांगार आशंका रही है जिलापा आलर्ट रहा तेज धान अमल चली अमल फसल को सुरक्षित रखा चाषी परामर्श दी जा बात्या और बन्या आश्रयस्थल को प्रस्तुत रखा सह शुखिला खाद्य महजूद रखा उपर गुरुत्व दी जा संभाव्य बात्या मुकाबला नहीं प्रस्तुति आरंभ कर जगत सिंहपुर जिला प्रशासन बात्यार मुकाबला लगे जिलापा फारुल पटुरिया अध्यक्षत प्रस्तुति बैठक अनुषित हो वर्चुआल बैठक में जिलार समस्त प्रशासनिक अधिकारी कथा होती जिलापा निर्देश देखते कि आमको समस्त को अलर्ट रेडी रहा दरकार आमे आज सब ब्लॉक ऑफिशियल्स एवं डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स एवं सब लाइन डिपार्टमेंट्स ऑफिशियल्स को अलर्ट रही कहीदे से माने निजे निजे तरफ जो भी पदक्षेप नेबार अच्छी से आमर स्पेशल रिक्वेस्ट अच्छी सब फिशरमैन एवं आम जो चाषी मैंने अच्छा फिशर मान को अनुरोध अच्छी कि से माने आउ समुद्र को जीवे जदि जाऊँगी तो तांको अनुरोध अच्छी कि से एबे जेहेतु वर्षार चांसेस बेसी रहुचि तो से माने जीवे नहीं और जो हमारे चाषी मैंने अच्छा जदि तांकर फसल हो जाएगी रेडी तो से माने ताकु हार्वेस्ट करंतु एवं जो हमारे रबी क्रॉप रे जो परिवा भी करुछंती हमारे चाषी मैंने तांकु भी अनुरोध अच्छी कि से माने तारो हार्वेस्ट करंतु तो एतिपाई हमें सब ऑफिशियल्स मानंकु भी इनफॉर्म कर देछु और आम तरफ सब मल्टी पर्पज साइक्लोन शेल्टर किंबा अन्य सब जो सेफ शेल्टर्स अच्छी सब आम तैयारी रखुछु बात्या आशंका को नहीं चाषी मान लगे सूचना प्रदान कर गजपति जिलापा लिंगराज पंडा एसआरसी निर्देश क्रमे जिला स्तर समस्त अधिकारी माने सजग अच्छी से कहते आगामी दिन में बात्या आसुवा जो जिला स्तर में एक बैठक हो सारी बात्या को दृष्टि रखी गजपति जिला चाषी मान सचेतनता रथ ता सहित से सहायता जिला स्तरीय मीटिंग आम करूँ जो थे आम देख लु कि प्राय 10% आमर जो धान अच्छी से अमल होकर कटिया आरंभ हो सारी तो आम तादेह तीन टा मेजर डिसीजन नहीं कर जो आम रथ बुले कर सब फार्मर्स को सेंसिटाइज भी करूँ ता इनफर्मेसन विलेज लेवल पहुँचेबू फर्स्ट है जो धान अमल होटा को गवर्नमेंट फैसिलिटी जो भी आपखे जगह पाँच पाखे सेठी आपण रखिपारे तापे निर्देश जारी आम करदेचु एवं बंगोपसगर मध्य रही बड़ गोटाऊ संभाव्य बात्या जवाद यार मुकाबला प्रशासन पक्षर् प्रस्तुति आरंभ हो जाए रेल विभाग पछरे ना जात्री सुरक्षा पूर्वतट रेल विभाग पक्षर् प्राय 95 ट्रेन को बातिल कर 3 और 4 तारिख 2 दिन ट्रेन बातिल नहीं घोषणा कर पूर्वतट रेलवे पुणी आंध्र दादागिरी कोटिया आंध्र कर हाइड्रो पावर प्लांट आंध्र अधिकारी
दिल्लीर एनटीपीसी रा चारिजणिया टीम अनुध्यान करिछंती कोटिया दखल पाई आंध्रर आउ एक कुचक्रांत। आंध्र पक्षर कोटिया रे हाइड्रो पावर प्लांट प्रकल्प स्थापन करा सर्वे करा जायछि। कोटियार विवादय 21टी गाँव प्रत्येक घर को विद्युत मागणारे जोगाइबा को उद्यम करुछि आंध्र। कोटिया अंचल पाई अवस्थापित आंध्र पुलिस टीम उपस्थित रे विजयनगरम जिला एनआरईडी संस्थार मैनेजर और सदस्य सहित एनटीपीसी रो चारिजणिया सदस्य कोटिया गस्त कर स्थिति अनुध्यान करिछंती। कोटियार नेरडी वालसा ताड़ी वालसा धूलीपदर सारिकी गाँ गस्त कर सर्वे करिछंती। पूरी सिद्ध महावीर रेल ओवरब्रिज नहीं प्रशासनिक स्तर में प्रस्तुति आरंभ हो माटियापड़ा रेल ओवरब्रिज निर्माण नहीं रेल विभाग पक्ष क्रियानुष्ठान कमिटी को चिठी द्वारा अवगत करपटे 60 दिन मध्य अवस्थापित होगा लोकों क्षतिपूरण दिजा नहीं विज्ञप्ति जारी कर जिला प्रशासन एने 110 कोटी टंका मिलता बेले खुब शीघ्र निर्माण कार्य आरंभ हो जिलापाल। माटियापड़ा रेल ओवरब्रिज पर अनेक संगठन पक्षर दावी होता बेले एवं पूरण करा तबे विस्थापित उपयुक्त क्षतिपूरण न देले उच्छेद को विरोध करा जिवो बोली चेतावनी मध्ये दे जायछि। पूरी जिला प्रशासन आज एठाकु आमर दाबी थिला बहुत अनेक दिन जंतु दाबी आमे रखथिलु सिद्धभावीर ओवरब्रिज सिद्धभावीर ठाक ओवरब्रिज निर्माण पई तो सेतिमे आज जिला प्रशासन एक पद आगु जायछि एवं एठारे जो मानकर घर एविक्शन होछि समानकु आज नोटिस करछि जे समान 60 दिन भितर रे समानकर घर खाली करंतु एवं तांकर प्राप्य आसे जिला प्रशासन थोर नियंतु गेलि तो आमे अनुभव करूछु जे जिला प्रशासन अति शीघ्र तार कार्य आरंभ करिवो। रेलवाई कर्तृपक्ष चिठी माध्यम आम अनुष्ठान जनईंट कार्य त्वरान्वित करेंगे आम आपण को आईन मानुछु आमर जी क्षतिपूरण हम जी जगह ने जी घर भांगे ये न्यासनाल हाइवे जमी नहीं सेमती जगह ये करके देवे तेल आम कि वंचित हो आम आपण आर्थिक साहय कि खबर जारी रहा अर्ग सुपरफास्ट समय गोटे छोट विरतिर ढेकाना पुणि घारा कोरोना भय एकाथरक एक आवासिक युक्त दुई कलेज 33 कोरोना पजिट चिन्हट होती ढेकाना कुंजकांत स्थित युक्त दुई आवासिक साईकृपा कलेज गत दुई दिन तेज चारिज छात्र छात्री कोरोना आक्रांत चिन्हट होते पर कलेज 270 सांपल संग्रह कर टेस्टिंग पठाई गत का रिपोर्ट अनुसार 33 सांपल पजिट थी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी सूचना देते जिला प्रशासन पक्ष कुंजकांत अंचल को 10 दिन पर्यंत कंटेनमेंट जोन घोषणा करा जाय छि। निर्वाचन आसिले राज्य सरकार क्षतिग्रस्त समस्या कथा मन पड़े अनुगुल जिला कणिया स्थित समल ब्राह्मणी नदी ठारे निर्माण होता 1994 मसीहा ब्यारेज क्षतिग्रस्त होता ग्रामवासी विस्थापित होते आज पर्यंत क्षतिपूरण पाईना सुलेपाल गाँव क्षतिग्रस्त जमी घर चिन्हट प्रक्रिया बारंबार जारी रखि बेले वर्ष वर्ष धरी सहायता न मिलवा को प्रहसन आख्या स्थानीय लोके चार पांच थर आसिक मपाई मपाई गले कि ऊपर को आसुनी सुधा मपाई पा का नौ पचरे ऊपर को आसुनी आउ एनु टू इलेक्शन टाइम होनुक सांतना दे आसुस तथा किसी कम को ना आउ कौन पाई आसुस जो मपाऊस किसी कम कि धाम ना कौन पर आस नदी बुड़ी केवे हम आम कौन मलापर नदी बुड़ी है आम मशाणी भुईक नहीं देवे माप कर शिक्षयित्री ममिता मेहर को न्याय देवा दाबी रे कटक नगर बीजेपी ओबीसी मोर्चा पक्षर कटक जोबरा स्थित आई लव कटक निकट आरंभ हो दस्तखत अभियान नगर बीजेपी ओबीसी मोर्चा सभापति अंबिका प्रसाद सामल का नेतृत्व में अभियान आरंभ कर ममिता मेहर हत्या घटना रे मंत्री दिव्यशंकर मिश्र संप्रति रही सत्वे कौन सी कार्यानुष्ठान कहीं ग्रहण करा बोली प्रश्न बीजेपी भौणी ममिता मेहर शिक्षयित्री पछुआ वर्ग जन शिक्षयित्री जो घटना घटिगला आज ओडिशा रा पुरपल्ली रे समस्त जानी जे जणे पछुआ वर्गर
ଶିକ୍ଷାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିବା ତଥାକଥିତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ତାଙ୍କୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟି ତାପରେ ପୋଡ଼ି ତାପରେ ମାଟି ତଳେ ପୋତିଦେବ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରୁ ସହର ମହାନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛି। କିଛି ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ଓଡ଼ିଶା ହକି ପୁରୁଷ ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସେମିରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ଭାରତ ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ବେଲଜିୟମକୁ 1-0 ଗୋଲରେ ହରାଇ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ଦଳ ଭାବେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ରେ 21ତମ ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରଥମ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରର ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ନକରି ଡ୍ରାଗ୍ ଫ୍ଲିକର ସାରଦାନନ୍ଦ ତିୱାରୀ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଜର୍ମାନୀ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫ୍ରାନ୍ସ ଟିମ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। यही था जैसे कि नो डाउट बेल्जियम वन ऑफ द बेस्ट टीम है सो हम लोग का यही था कि हम अटैकिंग खेलें लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग का पैचेस में हो रहा था लेकिन अच्छे काउंटर हुए और मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा यहाँ की ओडिशा पब्लिक को जिन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट किया और जिससे एक अलग ही क्राउड में हमारा कॉन्फिडेंस हाई हुआ और जो हम लोग की गलती भी हो रही थी उससे भी हम रिकवर हो रहे जल्दी तो ये हम लोग के लिए अच्छा साइन है। श्रीमंदिर आजठारु 3 दिन व्यापी महाप्रभुंकर ଦେବ ଦୀପାବଳୀ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି 3 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପଦାନ କରିବା ସହ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାର୍ଗଶୀର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ପ୍ରତିପଦା 3 ଦିନ ଧରି ଏହି ନୀତି ଯଥାବିଧି ପାଳନ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାର୍ଗଶୀର କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ଅଦିତି ଓ କଶ୍ୟପଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପଦାନ ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଦଶରଥ ଓ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବକୀ ଓ ବସୁଦେବ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପଦାନ କରିବା ସହ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା କଳା ମହୋତ୍ସବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଖୁଣ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀମାନେ ବାଲିରେ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାରମାନେ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଐତିହାସିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବାଲୁକା କଳା ଉତ୍ସବ ଡିସେମ୍ବର 1-5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା କଳା ଉତ୍ସବ ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଖୁଣ କଳାରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀମାନେ ବାଲିରେ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆତ୍ମଶୈଳୀକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ସହିତ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ବାଲୁକା କଳାକାରମାନେ। ଆଞ୍ଜେଲ ଗ୍ରୁପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ। ରାଜଧାନୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସହ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଆଗରୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଭଳି ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଛି। ବିଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତୁ, ବେସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସୋର୍ସରେ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତୁ, 10% ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ସେମାନେ ଆମ ଭଳି ଅନୁନ୍ନତଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାନ୍ତି ପଇସା ଏଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ତ 10% ଯେତିକି ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ ଭାରତରେ ହଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାତ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୋଜଗାର କଲେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରୁଛି, ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଏଠି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୁଟପାଥରେ ବ୍ରିଜ ତଳେ ଏମାନେ ରହନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର କଥା ସରକାର କେବେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ସକ୍ଷମ ବୁଝନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନବ ସେବା ମାଧବ ସେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି କି ଯେତିକି ଜଣ ପାରୁଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ସମସ୍ତେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆମ ଦେଶରୁ ଗରିବ ପୁରା ନ ହଟିବାରେ କିଛିଟା ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛିଟା ହେଲ୍ପ କରିବା ସରକାର ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ। ଖବର ଆଗକୁ ବି ରହିଛି, ଅର୍ଗସ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସମୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ବିରତିର।
उर्दू भाषा को बंद करने चक्रांत चली कटक सहर में 1912 एकमात्र उर्दू प्रशिक्षण अनुष्ठान रे उर्दू भाषा प्रचलन होता बेले वर्तमान ताकु ओडिया मीडियम करने योजना करा कटक बक्सी बाजार स्थित पांथ निवास रे उर्दू शिक्षा मंच अभियान कमिटी पक्षर आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन ने यह अभियोग 2020 पर उर्दू शिक्षक मानकर निजुक्ति को बंद कर दी जा उच्च विद्यालय मानक फाजिल हासल कर छात्र छात्री को शिक्षक पदर निजुक्ति प्रदान करा 2016 सिटी करी बेकार बसिता छात्र छात्री को साधारण विद्यालय रे निजुक्ति खाली पड़ा उर्दू शिक्षक पद पूरण आदि दाबी करा जाय छि। ओडिसा रे उर्दू शिक्षा प्रति चरम अवहेला करा जाय छि। उर्दू शिक्षक किया जाउ नाही जो जगह उर्दू भाषाभाषी पिला अछन्ति सेठी नुआ पदवी सृष्टि करा जाउ नै जो पुराणा पदवी रो जो शिक्षक थिले सेमाने जेतेले अवसर नै जाउ छन्ति अवसर नै गला परे सेठी आउ नुआ शिक्षक दिया जाउ नाही एवं जो जगह सब शिक्षक माने जो रहिबे जो तंकर क्वालिफिकेशन से क्वालिफिकेशन को हटात चेंज कर दे करी कहिले जे उर्दू जो आमर थिला आगे नियम थिला उर्दू रे जे फाजिल करितिवो फाजिल टा होची इक्विवेलेंट टू एमए जे फाजिल करितिवो से उर्दू शिक्षक रही परिवो ये पूरा स्वाधीनता परटु चली आसी स्वाधीनता पूर्वरु भी एई व्यवस्था थिला स्वाधीनता परे भी सब सरकार रे एटा चली आसी। जम्मू काश्मीर सुरक्षा बल को बड़ सफलता एनकाउंटर में 2 कुख्यात आतंकवादी निपात एनकाउंटर आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद कमांडर यासीर पारे एवं फरकान नामक दुईज आतंकवादी निहत होती अस्त्रशस्त्र जबत कर उभय पूर्व अनेक आतंकवादी कार्य लिप्त थी मोस्ट वांटेड तालिकार रही थे। नुआ वेरिएंट ओमिक्रॉन को वर्तमान सुधा सविशेष तथ्य नहीं तेणु लोकों अजथा आतंकित करवा ठीक हेबना नुआ वेरिएंटर संक्रमण क्षमता केते रोगी केते गुरुतर हो मृत्यु संख्या केते बढ़ सेने आशंका रुहे किंतु वर्तमान सुधा सरकार पाखे सेमती किसी सूचना नहीं तेणु यही वेरिएंट नहीं आहरी गवेषणार आवश्यकता अच्छी कहते स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विजय महापात्र जो वेरिएंट आसी आतंकित हवा नहबा जो प्रकार आम जदि आम पाखे डाटा नहीं ठीक भाव तथ्य नहीं आम आतंकित करवा लोक आतंकित करवाटा ठीक नुह नंबर एक नंबर दुई है भारत सरकार WHO इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स रु कल भी डिस्कसन होता जे गोटे जो नुआ वेरिएंट आसे नुआ वेरिएंटर ट्रांसमिसिबिलिटी कौन तार सिवियरिटी केमती करुची मॉर्बिडिटी केते बढ़ौची मोर्टालिटी केते बढ़ौची से विषय रे आशंकाटा रुहे जेहेतु गोटे नुआ वेरिएंट आसला जेमती जो डेल्टा आसला आम एटा चिंता करतो। राजधानी रे बेसरकारी कॉलेज गुड़ी करे परिचालना कमिटी द्वारा नियुक्ति पाई अध्यापक कर्मचारी धारणा विभिन्न काम से नियोजित कराए से सरकारी स्वीकृति मिलना परिचालना कमिटी पक्षर अध्यापक कर्मचारी 3000 टंका दरमा दि जाऊँगी जहाँ परिवार प्रतिपोषण पर्याप्त नुहे। टाटा पावर उदला डिजन पक्षर सचेतनता शोभायात्रा लोकों सचेतनता शोभायात्रा बाहरी बाजार परिक्रमा कर स्थानीय विद्युत स्ट्रक्चर निकटर शोभायात्रा बाहरी बाजार परिक्रमा कराटा पावर सहकारी निर्वाही जंत्री समेत कनिष्ठ जंत्री और कर्मचारी मैंने हाथ में प्लाकार्ड धरने सहित सचेतनता शोभायात्रा सामिल होते आनंदपुर उपखंडर कंटीपाल भिलदा सुजुनापा और काठकटा अंचल अबकारी विभाग चढ़ऊ 840 केजी महुल पोच सह 64 लिटर देशी मद जबत कर सुजुनापा गाँवर जड़े अभियुक्त को गिरफ्त कर पुलिस अनेक समय देशी मद कारबार बढ़ाक लगी अबकारी विभाग चढ़ऊ को बुद्धिजीवी महल प्रशंसा कर कलाहांडी जिला बोटेर जयपाटना मुख्य रास्तारे थिबा पीपलगुड़ा गाँ लोके आज पर्यंत बिजुली आलुओ देखि नाहंती बारंबार बिजुली विभाग पाखरे अभियोग कले प्रशासन को जणेबाकु कहउछंती सबुठ निराश हेबा परे रास्ता अवरोध करिबा सहित जयपाटना तहसीलदार को भेटी लिखित दाबीपत्र प्रदान करछंती जयपाटना भवानीपाटना
राज्य रास्ता को पीपलगुड़ा छक निकट में अवरोध करिछंति गाँ लोके फलरे यातायात ठप हो जाइछि। पीपलगुड़ा ग्राम रे गोटे बेछपुर ग्राम हिते पीपलगुड़ा रहिछि से ग्राम रे विद्युत खुंट देइछंति वेस्को डिपार्टमेंट तरफ रु एवं लाइन चार्ज कर देछंति किंतु जेते उपभोक्ता लाइन पाइबा कथा से उपभोक्ता मानकु आज पर्यंत दीर्घ दिन हला सेमानकु संयोगकरण करा जाउ नाही फळरे गाँ आज अंधकार भितर अच्छे एवं आम उपभोक्ता माने जो महिला माने होचंती किंबा आम जनसाधारण होचंती सेमाने आज पर्यंत लाइन पाई पार नाहंती तेणु आज विरक्त होकर सेमाने राजरास्ता को ओल्लैवा पाई धमक देचंती आसंता 15 दिन भितर जदि प्रशासन न सुनिबो एवं लाइन चार्ज न करिबो तेबे रास्ता रोक करा जियो बोली दाबी होछ। पीपलगुड़ा गाँ समाचार अर्गस सुपरफास्ट रे वर्तमान माय खबर को एटुक नमस्कार।